After question number 9, we move into the exercise 1.3. In 1.3, we do the difference of two sets. The difference of two sets means the difference of A minus B is the set of element which belongs to A but do not belongs to B. For example, jaisa ki aapke paas do sets given honge. A is equals to 1, 2, 3, 4 and B is equals to 3, 4, 5. आपको सिर्फ फोकस करना है सेट ए पर. सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4. सेट ए के एलिमेंट्स बिलोंग ना करें सेट बी से, मींस 3 और 4 बी में है तो आप इसको छोड़ देंगे. अब 3 और 4 को निकालने के बाद आपके पास इस सेट में क्या बचा, 1 और 2. तो ए माइनस बी सेट ए माइनस सेट बी, देन यू विल गेट द आंसर इज इक्वल्स टू 1, 2. You don't have to focus on set B. If there is any number left, so you have to remove it and you have to write the answer only from set A. इसी तरह से B minus A का भी question इसी तरह होगा. B minus A is equals to B का set minus A का set. अब आप focus करेंगे सिर्फ B के set पे. 3 और 4 जो है वो A में भी है तो आप इन दोनों numbers को छोड़ देंगे. अब B में क्या बचा, सिर्फ 5. आपका आंसर होगा 5. आप A में जो भी कुछ बच रहा हो, जो भी नंबर बच रहा हो, आप उसको नहीं लिखेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे. दैट्स इट. अब बनाएंगे हम इसकी डायग्राम्स. डिफरेंस ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स. ओवरलैपिंग सेट की डायग्राम कैसे बनेगी? पहला क्वेश्चन है A माइनस B, इसका आंसर है 1 और 2. देयर इज टू कॉमन नंबर्स इन बोथ द सेट्स. 3 और 4 यहाँ पे भी है, 3 और 4 यहाँ पे भी है. दैट्स वाई यू हैव टू मेक ओवरलैपिंग डायग्राम. जो आंसर होगा आप उसको शेड करेंगे. ओवरलैप में मिड में 3 और 4 लिखा जाएगा और जो 5 बचेगा सेट बी में आप उसको ऐसे लिखेंगे. इसी तरह बी माइनस ए में ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी. जो आंसर है उसको आप शेड करेंगे. ये बी का सर्कल है और ये ए का सर्कल है और ये 3 और 4 जो है वो कॉमन है दोनों में, और 1 और 2 जो है वो बच गया है ए में तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. ये आपकी डायग्राम होगी डिफरेंस ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट. अब है द डिफरेंस ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स. सेट ए इज ए बी सी डी माइनस सेट बी इज पी क्यू आर. अब इसके नंबर्स यहाँ पे नहीं है या इसके मेंबर्स यहाँ पे नहीं है तो सेट ए को आप एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे. और जब इसकी डायग्राम बनाएगी तो वो डिसजॉइंट होगी क्योंकि देयर इज नो सिमिलर एलिमेंट्स. और जो ए बी सी डी आप उसको शेड कर देंगे. इसी तरह बी माइनस ए पी क्यू आर माइनस ए बी सी डी, नो सिमिलर मेंबर्स, डिसजॉइंट डायग्राम. आंसर जो होगा वो सिर्फ शेड हो जाएगा. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स व्हेन वन इज अ सबसेट ऑफ द अदर. गिवन ए सेट 2, 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6. सबसेट में ए का सेट के तमाम नंबर्स बी में होने चाहिए और दोनों नंबर्स इसमें मौजूद हैं. इस वजह से इसका आंसर नल सेट होगा. यहाँ पे कोई नंबर नहीं बच रहा तो इसकी डायग्राम इस तरह बनेगी. बी माइनस ए में भी यहाँ पे दोनों नंबर कॉमन है और यहाँ पे 6 बचा है तो इसका आंसर 6 होगा. बिकॉज वी फोकस ऑन ओनली फर्स्ट वन सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. इसमें ये करना होगा कि इसमें दो सेट्स गिवन होंगे. एक यूनिवर्सल सेट होगा और एक कोई ए बी सी अप टू जेड तक कोई सा भी सेट का नाम हो सकता है, उसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है. उसमें होता ये कि आप सिर्फ यू को फोकस करेंगे और जो भी आपके पास सेट गिवन होगा उसके नंबर्स को आप भूल जाएंगे. अब जैसे यू में भी है 2, 4, 6 तो आपने इसको काट दिया. 2, 4, 6 यहाँ से भी कट गया. अब यहाँ बचे क्या, 1, 3, 5. तो आपके पास ए डैश आ गया 1, 3, 5. हम इसको इस तरह से लिखते हैं यू माइनस, मतलब होता है इज इक्वल्स टू यू माइनस ए. और उसकी वेन डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे. एक स्क्वायर में उसमें एक छोटा सा सर्कल होगा. जो नंबर्स कॉमन होंगे जो दोनों में है वो 2, 4, 6 और उसका आंसर हम बाहर लिखेंगे और उसको वर्टिकली शेड करेंगे और इसके बाद हम इधर आंसर लिख देंगे. एक्सरसाइज 1.3 आपको करनी है अपनी कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम डिफरेंसेस निकालने हैं. कोई भी दो सेट्स आपके पास गिवन होंगे उसके दरमियान आपको डिफरेंस मालूम करना है.
ए माइनस डी, डी माइनस ए, इस तरह से आपको मैं दिखा भी देती हूँ कॉपी में किस तरह से होगा। ये इस तरह से करना होगा ये। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में सेट बिल्डर नोटेशन में ये सेट्स गिवन है, आपको इसको चेंज करना है टेबुलर मेथड में। पहले आप सेट को चेंज करेंगे, नेचुरल नंबर का सेट है 10 तक, आप इसको लिख लेंगे, पर इवन नंबर है, ऑड नंबर का सेट है, उसके बाद प्राइम नंबर्स हैं एंड देन कॉम्पोजिट नंबर्स। उसके बाद फिर आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन है उसके रिलेटेड आप तमाम सेट्स को लिख लेंगे और फिर उसमें से डिफरेंसेस मालूम कर लेंगे। तो वेन डायग्राम है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू विल मेक द डायग्राम, द ओवरलैपिंग डायग्राम एंड दिस जॉइंट डायग्राम ऑन क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव सबसेट वाली डायग्राम बनेगी यहां पर, एंड द लास्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। इसमें आप पहले सॉल्व करेंगे और फिर ये वाली डायग्राम बना देंगे। मैथ्स का चैप्टर नंबर वन सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 के बाद मैं आपको चैप्टर नंबर थ्री एलजब्रा का स्टार्ट करवाऊंगी, और पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम कॉपी वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।